मृतक अज्ञात युवक की विश्वनाथ तिवारी के रूप में हुई पहचान। अमेठी जिले के पिपरपुर थाना अंतर्गत दुर्गापुर अमेठी मार्ग के बीच जनता नगर स्थित बाग में चिलबिल के पेड़ की डाल से रस्सी के सहारे लटकता हुआ एक युवक का शुक्रवार की लगभग 6:30 बजे के करीब ग्रामीणों ने देखा था, जिसकी सूचना पिपरपुर थाने पर दी गई थी। उस युवक की पहचान उस समय नहीं हो पाई थी। 8 अगस्त 2020 को मिस्र कपूरवा भादर निवासी विनय कुमार तिवारी पुत्र राजदेव तिवारी ने पिपरपुर थाना अध्यक्ष संतोष सिंह को तहरीर देकर अवगत कराया कि मृतक विश्वनाथ तिवारी मेरा पुत्र है, जो कि मानसिक रूप से कमजोर था। प्रार्थना पत्र के द्वारा विनय कुमार तिवारी ने लिखा कि मृतक विश्वनाथ तिवारी का शव पोस्टमार्टम के बाद सुपुत्र करने का निवेदन किया है। अपने तहरीर में यह भी दर्शाया कि मुझे इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। अमेठी से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। एक बार फिर दिखा भू माफिया अवैध तरह से खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करते हुए। उन्नाव के सहजनी ग्राम सभा में रामशंकर वर्मा द्वारा राजा यादव की जमीन पर बनी दीवार को तोड़कर जबरन 6 फीट अंदर खड़ी करवाई गई नई दीवार। प्रार्थी कई बार इस मामले में प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई न होने कारण 5 अगस्त को जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। दबंग भू माफियाओं के द्वारा तहसील क्षेत्रों में कहीं खलियानों की जमीनों पर किए जा रहे आए दिन कब्जे। ऐसे में सवाल उठता है कि तहसील के अधिकारियों को ऐसे दबंग माफियाओं की खबर नहीं, और अगर खबर है तो इन दबंगों पर अभी तक कोई लगाम क्यों नहीं। अवैध तरह से जमीनों पर कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ लगातार खबरें चलने के बाद भी नहीं होती कोई पड़ताल। आखिर कब रुकेंगे उन्नाव में अवैध कब्जे और कब होगी दबंगों पर कड़ी कार्रवाई? कब छूटेगी ऐसे दबंगों के हाथों से गरीबों की जमीनें? माफियाओं के खिलाफ सभी पत्रकार साथी खबर चलाते पर अधिकारी देखने के बाद भी मौन ही रह जाते। अखंड न्यूज उन्नाव ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा गुड़िया यादव नाम है जी। रामचंद्र वर्मा ने हमको परेशान किया, हमारी दीवार तोड़ के और मेरे कैमरे भी तोड़ दिया। वो 50-60 आदमी लेके आया बोलेरो में भर के, हमारे बच्चे को धमकी दिया और फोन भी छीना लिया। हम जिला अधिकारी के यहाँ अप्लीकेशन देने उन्नाव आए। पूरे प्रकरण में आपके बेटे से बात हुई तो क्या जान से मारने की कोई धमकी भी दी गई थी या ऐसा कोई प्रकरण सुनने को आया है? हाँ, जान से मारने की धमकी भी दी गई थी मेरे बेटे की, मेरे बेटा का फोन भी छीन लिया गया था। मेरा अभिषेक कुमार यादव नाम है। लगभग फरवरी के महीने में 17 तारीख के करीब रामशंकर के वर्मा और उनके कुछ आदमी 20-25-45 आदमी विदेशला आए थे और हम वीडियो बना रहे थे तो हमें मारा और मेरा फ़ोन छीनने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी भी दिया। कहने लगे ज़्यादा अगर कुछ किया तो जान से मार देंगे और मेरे कैमरे भी तोड़े। राजा यादव नाम है और रामशंकर वर्मा भू माफिया हमको बहुत परेशान कर रहे हैं और हमारी दीवार तोड़ के अपनी दीवार बनाया है, जबकि हमारी ज़मीन में दीवार बनी थी पहले से। अब हमारी दीवार तोड़ के उसने बनाया है और 40-45 आदमी लाया था बोलेरो से भर के और मेरी दीवार तोड़ दिया। वो असलहा सहित सब आए थे और मेरे दीवार में कैमरे लगे थे वो भी तोड़ दिए। आज आप यहाँ क्या पे कहाँ पे आए हैं और किस संबंध में आए हुए हैं? यहाँ जिलाधिकारी को अप्लीकेशन देने आया हूँ। उन्नाव जिलाधिकारी को? उन्नाव जिलाधिकारी को। अच्छा, और उनको लेकर क्षेत्र में और क्या चर्चा है? जैसे कि काफ़ी लोग आप लोग साथ में आए हैं तो और क्या शिकायतें उनको लेकर? वहाँ पे जमीनें पंचायत की सब हड़प रहे हैं, ग्राम पंचायत की जितनी जमीनें पड़ी हैं उसमें सब अवैध कब्जा करके नंबर दूसरे नंबर अपना नंबर दूसरे खाते दिखा के और दूसरी जगह की जमीन देता है।